पांच साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर देहरादून के सांस्कृतिक विभाग ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत चयनित यहां पर 1094 कनिष्ठ अभियंताओं के 14 विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार तेजी से लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है। अभी तक 17,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। चयनित अभ्यर्थी सरकार और लोगों के बीच की अहम कड़ी साबित होंगे और प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। देखिए, 14 विभिन्न विभागों के 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को जिनको आज चयनित किया गया, जिनको आज हमने नियुक्ति पत्र दिया है, मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। बहुत मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के दम पे वो यहाँ पे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव एक भाव रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में हम लोग उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अभी तक लगभग 3 साल में 17,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों को हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनको इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। तो ये एक भावना दर्शाता है कि हमारी सरकार बहुत गंभीर है रोजगार देने के लिए, प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए। और फिर आप देखें, जब नकल अध्यादेश पारित हुआ उसके बाद पारदर्शिता के माध्यम से आज इस प्रकार के आपने यहाँ चेहरे देखे होंगे जो बहुत सामान्य और बहुत यदि मैं कहूँ कि गरीब परिवार से बच्चे आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं इनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी सरकार जो इनके लिए इतना काम कर रही है, बस अब उनकी ड्यूटी बनती है कि जिस विभाग में उनको ये जिम्मेवारी मिल रही है उसमें वो कड़ी मेहनत के दम पे सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करें, एक कड़ी के रूप में काम करें, जो जिम्मेवारी मिल रही है उसे ईमानदारी से काम करें। ये उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फिर से अभ्यर्थियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ सेवा अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आज हमने 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना जो है शुभाशीष दिया है और सबको बड़ी प्रेरणा दी है कि आधारिक स्तर पर जो है फाउंडेशन लेवल पर वो काम करें और लोगों की जन सुनवाई करें और लोगों की समस्याओं का निराकरण करें और एक ऐसा वर्क कल्चर लाएं जिससे कि तेजी से हमारे उत्तराखंड का विकास हो। आज सभी यहाँ लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के विकास में अपनी सहभागिता निभाएं। धन्यवाद। सर, मेरा नाम अंकुर कौशिक है और सर मैं 2016 का पास आउट हूँ। सर, मैंने डिप्लोमा KL पॉलिटेक्निक रुड़की से किया है और सर मैं 2016 से तैयारी में कार्यरत हूँ। सर, मेरा विद्युत सुरक्षा विभाग में चयन हुआ। सफलता को आप किसको श्रेय देते हैं? सर, मेरे माँ बाप का, सर मेरे गुरुजन का और सर जो मेरे दोस्त थे। मेरा नाम रेशमी नीति है और मेरा सिलेक्शन जो है वो उत्तराखंड सेफ्टी डिपार्टमेंट यानी कि उत्तराखंड विद्युत सुरक्षा में हुआ है और मैं 2021 नवंबर से तैयारी कर रही हूँ। और मेरा फर्स्ट जो UPSC JEE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो गया और दोबारा भी मैंने इसमें जो है अपना सिलेक्शन लिया है और सर और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। और मैं CM सर का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमें जो है अपने हाथों से ये जो नियुक्ति पत्र हमें दिए हैं और इसे पाकर हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं। सर, थैंक यू। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान के बाद पूरे देश में भाजपा द्वारा तीखी प्रतिक्रिया जारी की जा रही है।
हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बताया कि राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान और आरक्षण खत्म करने को लेकर गलत बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही अभी जब विदेश गए तो उन्होंने वहां जाकर के जिस तरह की बातें की हैं वो भारत भारत की गरिमा के विपरीत तो है ही, पर आरक्षण पर जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं वो पूरी तरह से उनकी इस मानसिकता को दर्शाता है कि वो आरक्षण को समाप्त करें। तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि राहुल गांधी आज नहीं कर रहे हैं, ये मानसिकता सदा से कांग्रेस की रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके विरोधी थे और इंदिरा गांधी ने भी मंडन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कभी बात ही नहीं की, उल्टे उन्होंने अपने कानून मंत्री से कहा कि इस तरह का कार्य किया जाए कि ये लगे भी नहीं हम आरक्षण विरोधी हैं और आरक्षण का को लागू भी नहीं किया। फिर राजीव गांधी ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को तो उन्होंने 1990 में रद्द किया ही, लोकसभा में ओबीसी आरक्षण का विरोध भी किया, पर साथ ही उनका ये भी कहना था वो सीधे से जो है आरक्षित लोगों को बुद्धू मान करके उनको बुद्धू शब्द से अपमानित भी किया। राहुल गांधी ने भी आरक्षण का बहुत शोर मचाया और जब वो अमेरिका पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी मानसिकता स्पष्ट कर दी कि आरक्षण के वो भी विरोधी, कांग्रेस आरक्षण विरोधी। देखिए इस तरह की बातें और वो भी विदेश में जाकर के की जाए, आरक्षित वर्ग के लिए भाजपा चिंतित है और भाजपा ने सदैव आरक्षण को बनाए रखने के लिए कार्य भी किया है, तो अभी भी भाजपा इसका पूरे देश में पुरजोर तरीके से विरोध करेगी और आज यहाँ पर प्रदेश के पिछड़ा मोर्चे ने इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और धरना प्रदर्शन भी होंगे, पुतले भी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 एलपीजी सिलेंडर माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।